नमस्कार, मैं ईशा शर्मा स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। हाथरस तहसील सासनी में SI मनोज शर्मा ने लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी दुकानदारों को एवं सभी गांव शहर वासियों को किया जागरूक। तहसील सासनी के अंदर जितने भी गांव एवं शहर में जितनी भी दुकानें हैं, वह सभी दुकानदार अपनी सामग्री को उचित रेट पर ही बेचेंगे और गांव की भोली भाली जनता एकजुट होकर दुकान पर सामान लेने के लिए दुकानदार के पास खड़ी नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति दुकानदार से सामान लेते हैं, वह व्यक्ति एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर होना आवश्यक है। सभी दुकानदार अपने चेहरे पर मास्क एवं रुमाल का उपयोग करेंगे और जो व्यक्ति दुकानदारों के पास सामग्री खरीदने आते हैं, वह व्यक्ति भी अपने चेहरे पर मास्क एवं रुमाल का उपयोग करेंगे और जगह जगह पर 4 से 5 व्यक्ति एकजुट में नहीं रहेंगे। अगर एकजुट में पाए जाने पर धारा 144 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और दुकानदार अपने निर्धारित समय से अपनी दुकानें खोलेंगे। जनता भोली भाली जनता आती है, उसके पास मास्क की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो उसको निर्देशित करें कि वो एक अंगोछा का इस्तेमाल करें। गांव देहात का व्यक्ति अंगोछा जरूर लेके आता है, उसको मुंह से लपेटे, मास्क की जगह उसका ही यूज करें। तीसरी बात, ये दुकानदार भाई ग्लव्स सैनिटाइज इसकी दुकान पर व्यवस्था करें। जो भी गांव देहात का व्यक्ति आता है, उसके हाथ को वॉश करा जाए। और यदि किसी व्यक्ति द्वारा ग्रुप में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अनावश्यक रूप से भ्रमण करते हुए पाए जाएंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए, पेपर के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया है कि धारा 144 लागू है। यदि आपके द्वारा उसका उल्लंघन किया जाएगा, तो आपके विरुद्ध धारा 188 IPC के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अनावश्यक नागू में इन निर्देशों का पालन करें, स्वस्थ रहे, सजग रहे। मुझे आशा ही नहीं, अब तो पूर्ण विश्वास है कि आप इन निर्देशों के आलोक में अपनी दिनचर्या का व्यतीत करेंगे और देश हित में अपने कदम सराहनीय योगदान देंगे।